नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 6 पार्षदों को संविधान के तहत शपथ दिलवाई गई। गुरमीत सिंह कुन्नर ने शुभकामनाएं प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप वार्डवासियों के संपर्क में रहकर अपनी सेवाएं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। कुन्नर ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह कैसी नीति है। पिछले 50 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी होने से आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबने से उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। गुजरात में पेट्रोल डीजल के भाव कम होते राजस्थान से सौतेला व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के भाव जिससे गंगानगर जिले में सबसे अधिक होने से भारी महंगाई का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का पेट्रोल कंपनियों पर नियंत्रण खत्म होता गया है। पालिका अध्यक्ष रूबी मिगलानी, ईओ साबराम सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर वो बताएंगे पेट्रोल डीजल को लेकर आए दिन रेट बढ़ रहे हैं उसके बारे में। पेट्रोल और डीजल के रेट जब से माननीय मोदी सरकार आई है, इन्होंने लगातार कंपनियों को छूट देकर आए दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, मनमानी से रेट बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद भी ये पता नहीं कौन सा फार्मूला निकाल कर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और हमारे से दूसरे मुल्क जो है, चाहे अमेरिका लें, कनाडा लें, आधे रेट पे डीजल पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है और डीजल और पेट्रोल के भरोसे ये सब अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। तो उसी के नतीजा है कि आज जनता बुरी तरह पिस रही है। मरा जाता नहीं ना जिया जाता है, लेकिन जनता का बुरा हाल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाकर छोड़ देना चाहिए, सारे हिंदुस्तान का एक रेट हो। अब वन नेशन वन इलेक्शन, कई बातें ये करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वन नेशन वन GST रूल ये हो जाए। किसी का गिला शिकवाई नहीं, ना कोई स्टेट कोई रेट बढ़ा सकेगी, ना टैक्स लगा सकेगी, सबको एक समान रेट डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा और हर चीज़ सस्ती मिलेगी। आज क्या है, ये तरबूज आता है जयपुर में 2-3 रुपये किलो बिक के यहाँ 30 रुपये हो जाता है, किराया बहुत है, तेल बहुत महंगा है, सब्जियाँ महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज़ इतनी महंगी हो गई कि किराया बहुत ज़्यादा है, उसी की वजह है। और समय रहते सरकार को चेतना चाहिए, डीजल पेट्रोल का रेट कम करने चाहिए और जनता को राहत।